किसी भी बिहार में बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे, फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। अध्यक्ष महोदय, हम इस नई सरकार के विरोध में खड़े हैं और सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया। और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं। दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाए। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था, लेकिन केकई को भी पहचानिए, कौन कौन केकई बैठा हुआ है आपके पास। किसी भी बिहार में बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे, फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ बताइए, पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। अरे भाई, हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा दल हमारा है, कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए कोनो, आपको हम कुछ कहते हैं, आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं, कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं है। और हम लोग एकदम मजबूती के साथ खूंटा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी, आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते, नहीं है ठीक है तो उसका भी व्यवस्था कर देते, अगर हमारे सरकार से हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माइक का लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं, हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए, विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। आप असंभव बोलते थे, आप मेरे
पिताजी को बाप का पैसा ला करके दिलाएगा, लेकिन ये 17 महीने में कहां से एक विभाग में एक दिन में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी कैसे मिला? इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी जो थके हुए मुख्यमंत्री थे उनको हमने दोहराने का काम किया। आपको तो ये पता था कि कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ाए थे उनकी सरकार थी तो जनसंघ जो था उस सरकार में था। जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए तो यही जनसंघ वाला ही ना कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया। कौन हटाया? और आप कहां बैठ गए? आप कर्पूरी जी का नाम लेते हैं और आप कहां बैठ गए मुख्यमंत्री जी? और वही जनसंघ वाले भाजपा वाले कहते थे, क्या बोलते थे, आरक्षण कहां से आई, कहां से आई? कर्पूरी जी हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये बोलते आप हैं। और आप कहां चले गए मुख्यमंत्री जी बताइए? हम अगर गलत बोल रहे तो इस बात को बताइए। विजेंद्र जी, विजय जी, आप लोग सब लोग उस समय रहे भाई, सब लोगों ने नेतृत्व में काम किया है। हालांकि पता नहीं उस समय विजय जी शायद कांग्रेस में थे, लेकिन मन से ये समाजवादी भी रहे हैं। तो इतना सब लोग का सहयोग रहा, कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला, तो ये लोग तो भारत रत्न डील बना लिया। डील करने के लिए हमको वोट मिलेगा और डील कर लो, भारत रत्न दे देंगे, भारत रत्न दे देंगे, डील कर लो। सम्मान नहीं करते आप लोग, डीलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। भाजपा के लोग सम्मान नहीं करते, डीलिंग करते हैं। मेरा डिपार्टमेंट विभाग आरजेडी का, हमारे मंत्री, हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, पहले तो नहीं मिलता था, तो क्रेडिट क्यों ना ले? सम्राट जी, विजय सिन्हा जी, ये हम आप लोग को पहले सचेत कर दे रहे, सचेत इस बात का करें कि महागठबंधन की सरकार तो हम लोग नहीं रहते तो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते। लेकिन एक बात समझिए, अगर आप लोग अभी सरकार में है जो काम होगा उसका क्रेडिट नहीं लीजिएगा। तो मुख्यमंत्री जी, हम लोग 17 महीने जब थे सरकार में तो उसका क्रेडिट क्यों ना ले? आप लोग बताइए क्यों ना ले? अब आप लोग सरकार में आए भाजपा के लोग, नीतीश जी बोलेंगे कि नहीं क्रेडिट नहीं लेना, क्रेडिट केवल मेरा, तो आप लोग क्या कहिएगा, क्या कहो? उपाध्यक्ष महोदय, जब पिछला सत्र चल रहा था तो मांझी जी अपनी बात को रख रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी, एक मिनट, मुख्यमंत्री जी जो है गुस्सा में आए, गुस्सा में तो आए तो आए, लेकिन उसके बाद मांझी जी का रिएक्शन बाहर हुआ था मुख्यमंत्री जी। अब बाहर जाके बोले थे कि आपको जो है कोई गलत सलत दवा खिला देता है, बोले थे, हम नहीं बोले, गलत सलत दवा खिला देता है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको जो है इलाज कराना चाहिए था, बोले थे कि नहीं बोले थे मांझी जी? अब हमको पूरा मांझी जी पे भरोसा है कि अभी अच्छा दवाई कराएंगे। हमको तो पीड़ा होती है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के प्रति इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री जी तो इधर से उधर भाग गुना कर लेते हैं, जो करना है कर लेते हैं, लेकिन जनता के बीच तो आप विधायक के लोग ना जाकर के जवाब देगा, आप ही लोग ना दीजिएगा। अब आपसे कोई पूछेगा काहे बताओ नीतीश जी 3 बार शपथ लिए तो क्या बोलिएगा? तू गरियात रहला पहले, अब तू बढ़ाई करत रह, क्या बोलब? हमने नौकरी दिया ही कहेंगे मुख्यमंत्री जी कि कुछ भी लोग किया, भाजपा इतनी डरी हुई थी अब हमारे गठबंधन से, महागठबंधन से, आज मजबूरन देख लीजिए कुछ भी लोग इवेंट मैनेजमेंट करते रहे हो, कुछ भी धर्म के नाम के राजनीति करते रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा किसी को डर भाजपा को था
तो बिहार से था डर था, आपसे डर था, हम साथ थे उसका डर था। देखिए ना, आप लोग अगर 12,000 वोट के अंतर से छल कपट करके जीत के 2020 में आए तो 5 साल का ना था, 5 साल में, 5 साल में भी तो 3.5 साल चल रहा, उसमें से हम लोग 17 महीना रह लिए, उसमें 17 चोर। अच्छा 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 भैया, चोर दरवाजे से अगर हम घुसे तो चोर का दरवाजा किसने खोला? हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार जो है, हमारी मांग है कि ओल्ड पेंशन नीति को आप लोग जरूर लागू कराइएगा। सम्राट जी, इधर उधर सिद्धार्थ जी को ना भेजा जाए, सिद्धार्थ जी का मत सुनिएगा। ओल्ड पेंशन नीति आप करवाइए, क्रेडिट हम आपको दें। ओल्ड पेंशन, और अब तो विजेंदर जी को जब भी देखते हैं तो हमको केंद्र का योजना में कितना घटौती कर दिया बिहार के लिए वही याद आता है। हम मुख्यमंत्री जी तो आग बबूला हो जाते थे कैबिनेट में, कोई भी प्रस्ताव में अगर केंद्र का जितना भी यंश था, शेयर था, अगर केंद्र का नाम आया तो भाव उसको फाइल हटाओ, कौन लिख दिया हटाओ, केंद्र कोई मदद नहीं करता है। तो आप जरूर मुख्यमंत्री जी जो है, केंद्र जो पैसा दे, हमको पता है कि कहां दे रहा है बिहार को, लेकिन कुछो देता है तो वो मोदी जी के पॉकेट का नहीं है, बिहार के लोगों का है। डबल इंजन की सरकार हो गई है आप लोगों की, तो हमको पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी से आप मिले होंगे तो आपने विशेष पैकेज की मांग की होगी, लेकिन विशेष पैकेज नाम देकर के अंदर गुब्बारा नहीं होना चाहिए, और कम से कम विशेष राज्य का तो दर्जा दे दे। हम लोग तो निकलने वाले थे ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, चलिए आप नहीं कीजिएगा, अब तो आप पे तो सब लोग कब्जा ना कर लिया है, उसको हम ही आगे हम लोग लड़ेंगे, काम करेंगे।